हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जानते हो आप लोग दिवाली है, आज दिवाली का त्यौहार है। आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी और आपका एग्ज़ाम भी बहुत कम बचा हुआ है। यूपी टेट वाले खासकर ध्यान दें, उनके लिए एग्ज़ाम की तारीख भी बहुत कम बची हुई है। 18 तारीख आज जो है आपकी 7 तारीख हो ही गई, तो 18 तारीख आपकी ज़्यादा दिन बची नहीं हुई है। ठीक है, कुल मिला के 8-9 दिन का आपका आपके पास समय है। ठीक है, तो दिवाली है, बहुत अच्छी बात है, खुशियों का त्यौहार है। आप लोग दिवाली को भी इंजॉय करिए। ठीक है, आप अच्छे से इंजॉय करें दिवाली को, आप अच्छे से इंजॉय करें। ठीक है, लेकिन लेकिन अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए जब इंजॉय का समय हो आप टोटल खुल के इंजॉय करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन आप क्या करो, दिन में फिर भी जो है आप पढ़ाई करना शाम तक 4 या 5 बजे तक, क्योंकि दिवाली मनाई जाएगी रात में। ठीक है, 3 या 4 बजे तक आप पढ़ाई करना। यदि जो है कोई आपको काम करना हो, या फिर जो है लड़कों को तो कोई काम नहीं होगा, लड़के जितने भी हैं नहीं तो कोई, मैं नहीं समझता उन्हें कोई काम होगा। लड़कियों के लिए तो मैं समझता हूँ उन्हें खाना वाना बनाना पड़ता है, तो उन्हें जो है दिवाली के दिन काम बढ़ जाता है। लेकिन लड़कों को मैं नहीं समझता उनके पास काम कोई होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं मुझे पता है कितने काम होते हैं, वो चीज़ें मैं भी झेलता हूँ। कुछ नहीं होते हैं काम, सिर्फ बहाना अगर बनाना है आपको, आपके पास तो बहाना मिल जाएगा, मैं उसकी नहीं कह रहा। ठीक है, तो लेकिन आप फिर भी एक काम करना कि आप एक टाइम निकाल करके आप शाम तक 3 या 4 बजे तक आप अच्छे से पढ़ाई करना। 4 बजे तक, अगर सुबह 6 बजे से आप 10 बजे तक पढ़ रहे हो, 10 बजे से 2 घंटे रेस्ट करना, खाना खाना जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद अगर फिर आप पढ़ना बैठ जा रहे 3 बजे तक पढ़ रहे हो, तो आप दिवाली का उसके बाद 4 बजे से जब इंजॉय करना, आप जितना भी इंजॉय करना हो, पटाखा उड़ाना हो, छुड़ाना हो, जो भी चीज़ें करनी हो आपकी, वो 4 बजे के बाद 9 बजे तक आप सब कुछ कर लेना। 4 से 9 तक, 9 साढ़े 9 बजे तक दिवाली जितना अच्छे से हो 9 साढ़े 9 बजे तक आप मना लेना। ठीक है, फिर अगले दिन से आपका 9 से 1 घंटा उधर उधर पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ाई कर लेना। ठीक है, और दिवाली पे कहते हैं ना किसी चीज़ का शुभारंभ किया जाता है, आप दिवाली पे जितना दिन जितना टाइम तक पढ़ोगे ना, जितना टाइम तक पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप जो है दिवाली पे जितना अधिक से अधिक पढ़ सके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है आपका, तो एग्ज़ाम की वजह से आप अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, और अगले दिन कहा जाता है जड़ता पड़ता है, पढ़ाना वढ़ना कुछ नहीं है। अगले दिन दिवाली के अगले दिन कहा जाता है जड़ता पड़ता है, उस दिन कलम नहीं उठाई जाती है। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करोगे, आप उस दिन भी पढ़ाई करोगे। ठीक है, अच्छे से आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये सारे क्या होते हैं, बहाने होते हैं, ये चीज़ें जो है सिर्फ बहाने होते हैं कि पढ़ना नहीं होता है, क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जिन्हें पढ़ना होता है पढ़ते हैं भाई, उन्हें कुछ नहीं होता है, उन्हें कुछ नहीं होता है। तो आप उसके एक दिन बाद भी अच्छे से क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। जो जड़ता पड़ता कहा जाता है उसमें बिल्कुल आप इन सब चीज़ों को नहीं मनाओगे। ठीक है, और आपके पास फिर 8-10 दिन के जो समय बचता है आप इसमें जी जान से एकदम जुट जाओ। इस दिवाली पे आप यही एक प्रण लो, मुझे इस साल के अंत तक, अभी तो 18 नवंबर वाला आपकी बात है, 18 नवंबर का पेपर और आपका जो रीटेन का पेपर है, ठीक है, जो 18 नवंबर का पेपर है और जो आपका रीटेन का पेपर है, मुझे इस साल तक, इस साल के अंतिम या अगले साल के जनवरी तक मुझे एक जॉब लेनी है। ठीक है, प्राइमरी वाली, ठीक है, आपके प्राइमरी वाले ध्यान दें, यूपी टेट वाले जो इस बार यूपी टेट देने वाले हैं वो ध्यान दें कि वो एक प्रण कर लें दिवाली पे कि मुझे जो है साल जॉब लेनी है तो लेनी है, मुझे सिर्फ चाहिए कितनी सीट, 1 सीट चाहिए। 68,000 वैकेंसी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, 68,000 है, 90,000 है, 94,000 आ रही है, क्या आ रही है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनमें सिर्फ चाहिए। तो आपको चाहिए तो कितनी सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए। तो आप ये समझ के फाइट करो कि सिर्फ एक सीट है और मुझे 18 लाख लोगों को पीछे करके 1 सीट लेना है, तो उस ढंग से पढ़ाई करो। और अब आपका समय आ गया है, दिन रात जिसे कहते हैं ना, दिन रात एक करके पढ़ना, वो समय अब आपका आ गया है। 10 दिन आपका एग्जाम बचा है, वो समय आप आ गया है।
क्योंकि पहला स्टेप आप पार हो जाओगे तभी तो अगला स्टेप में जाओगे, अगले स्टेप में तभी जाओगे, पहले स्टेप को पार करोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, रिटेन वाले स्टेप में आप तभी जाओगे। तो आपका सबसे बड़ा पड़ाव यही है, पड़ाव सबसे बड़ा आपका यही है, ठीक है। और आप लोग क्या करना, 25 बुक के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ एक या दो बुक जो आपने रखा हो ऑथेंटिक जिसे आप मानते होंगे उसी को पूरा रिवीजन कर लेना जितना अच्छे से हो सके, ठीक है। अच्छे से बुक को पढ़ना है, ऐसे नहीं सिर्फ देख लेना है पन्ना पलटना है, बिल्कुल नहीं, पन्ना पलटने वाला काम नहीं, एकदम अच्छे से उससे जो है उससे पूरी एक एक हेडिंग उसकी एक एक टॉपिक आपकी तैयार कर लेना, ठीक है। और 10 दिन में मैं समझता हूँ आप चाहो तो ना बहुत बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। आप सारी चीज़ों को 10 दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर जो है घर में कोई कहे कि जो है भैया एक काम कर लो, कहना कि हम करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन 10 दिन बाद आपका एग्जाम ये वाला हो जाए उसके बाद आप सब कुछ करना। कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, मूवी देखने लगते हैं, घर पे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि जो है पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। उनकी किताब के पीछे क्या होती है, किताब के आगे क्या होती है, मोबाइल होती है। किताब खुली रहती है लेकिन आगे क्या होती है, मोबाइल होती है। वो सबसे बड़ी आपकी कमी है, वो कमी जिस दिन दूर हो गई सब समझ लो आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। वो कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, मोबाइल एडिक्ट आपको नहीं होना है, मोबाइल एडिक्ट नहीं होना है। मोबाइल का आप यूज करो, बिल्कुल यूज करो, अच्छी चीज़ है मोबाइल, लेकिन उतना ही जितना लिमिट है, जितनी मोबाइल की ज़रूरत है। बात समझ रहे, ज़रूरत एक होती है, एक ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई काम करने लगते हो तभी दिक्कत होती है। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप मोबाइल का यूज करो, मोबाइल को आपको जो है ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से आप दूर रहो। और 10 दिन के लिए आपकी पूरी जिंदगी इसी में है, पूरा करियर 10 दिन में लगा हुआ है, 10 दिन में पूरा करियर लगा हुआ है आपका दांव पे। अगर 10 दिन इधर मेहनत कर दे रहे हो, घर में बहाना नहीं बना रहे हो, घर में बहाना नहीं बना रहे हो पढ़ने का लिखने का जो भी चीज़ें हैं, अगर घर में बहाना नहीं बना रहे हो 10 दिन में आपका करियर बन जाएगा। अगर इसी में 25 तरह की बहाना बना करके घर में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, घर में बेवकूफ़ बना रहे हो तो समझ लो आप खुद 50 साल बेवकूफ़ बनोगे। बात समझ रहे हो ना, खुद 50 साल बेवकूफ़ बनोगे। तो इस 10-15 दिन में अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाए तो आप 50 साल खुद बेवकूफ़ बनने वाले हो। तो इसलिए लो आप आज प्रण करो, आज दिवाली के दिन प्रण करो कि जो है आप क्या करोगे, एक शेड्यूल के अनुसार 10 दिन में ऐसा टाइम का मैनेजमेंट आप करो कि आपको किताबों के सिवा और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एक कहते हैं बुक वार होना, किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं, वन मस इंस्टीट्यूशन में आपका आता है बुक वार क्या होता है, किताबी कीड़ा जो हमेशा किताबों में खोया रहता है। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, आप किताबी कीड़ा बन जाओ, उसका बिल्कुल मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन इन 10 दिनों के लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। इन 10 दिनों के लिए सिर्फ, ज़्यादा समय के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इन 10 दिनों के लिए आपको बुक वार पढ़ना पड़ेगा, मीन्स किताबी कीड़ा आपको बनना पड़ेगा 10 दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ों को सबको सबको साथ लेके चलो, दोस्ती निभाओ, यारी निभाओ, अपना प्यार निभाओ, जो भी चीज़ें हों, गर्लफ्रेंड से बाद में बात करना, बॉयफ्रेंड से अपने बाद में बात करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सारी चीज़ें आप एक तरफ रख दो, उनसे भी आप कह दो मेरा एग्ज़ाम हो जाए तब सारी बातें हम करेंगे, बाद में भी बातें करेंगे, लेकिन 10 दिन कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड नहीं, किसी को नहीं, अपने परिवार को भी नहीं आपको साथ में लेना है, कोई भी नहीं लेना है, किसी को भी कुछ भी कहे कोई नहीं फर्क पड़ना है, सिर्फ किताबें 10 दिन में देखनी चाहिए, 10 दिन सिर्फ किताबें देखनी चाहिए, क्योंकि आपका दांव 50 साल लगा है, आपके ज़िंदगी के 50 साल दांव पे लगे हुए हैं। अगर इसमें आपने 10 दिन पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी के 50 साल सुधर जाएंगे, ज़िंदगी के 50 साल सुधर जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है अच्छे से एक शेड्यूल के अनुसार अपनी पढ़ाई के जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें इन 10 दिनों में आप करने की क्या करिए, कोशिश करिए, ठीक है। और आप ही लोग के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, जो जिन्हें हम पढ़ाए भी हैं वो जानते होंगे कि मैंने यूट्यूब क्यों बनाया, यूट्यूब पे मेरे आने का इरादा क्या था,
आप ही लोग के लिए पहुंचना, आप लोग तक पहुंचने की मैंने कोशिश किया यूट्यूब के माध्यम से, आप ही लोग के लिए बनाया है। जिस दिन मेरे पढ़ाई में जितने भी बच्चे हैं, जिस दिन अगर वो प्राइमरी के अध्यापक हो जाएंगे, सहायक अध्यापक हो जाएंगे, उस दिन मुझे भी खुशी मिलेगी। मेरी बैच की इतनी पढ़ाई गई बच्चे आज ये हो गए, ठीक है, उस दिन मुझे एक सुकून मिलेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने मैं वीडियो डाल सकूंगा, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब चैनल अपना बनाया तो आपका समय बहुत कम बचा है और मेरे पास भी समय उतना नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो बना सकूं। लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने की हमेशा कोशिश करता हूं कि जब भी मौका मिलता है। मेरी रिकॉर्डिंग स्टिक भी अभी नहीं आई है, आज आ जाएगी शायद, जो है बुक किए हुए थे आपका, आज शायद आज या कल में आ जाएगी। ठीक है, अभी मेरी ओपिनियन थी, मैं दूसरे की रिकॉर्डिंग स्टिक, दूसरे के वॉयस, सब कुछ दूसरे से करते थे, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग तक अपनी बातों को क्या कर सके, पहुंचा सके। आप लोग तक पहुंचने के लिए मैंने सारी चीज़ें किया। ठीक है, मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि जितनी भी टॉपिक हैं आपका 12 या 13 उस उन तक आपको पहुंचा दे, तब तक पहुंचा दे। और दिक्कत ये भी आती है मेरे साथ कि मेरे में MB 1.5 GB होती है, 1.5 GB मुझे मिलती है और अपलोड करने में, एक वीडियो अपलोड करने में लगभग 1 GB चली जाती है, तो बचते हैं मेरे 300-400 MB, उसमें अपलोड वीडियो नहीं हो पाता है, नया दूसरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप एक ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, टाइम नहीं है एक ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो मेरी प्रॉब्लम यही होती है कि मेरे पास 1.5 GB मुझे मिलता है, 1.5 GB से अपलोड कर देते हैं, लेकिन फिर जो है नहीं हो पाता है और दूसरा भी तीसरा वीडियो एक दिन में नहीं अपलोड हो पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा किसी दूसरे से वाईफाई से कनेक्ट करके अपने में जो है वीडियो को अपलोड कर सके, किसी दूसरे के वाईफाई से कनेक्ट करके वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि 13-14 तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए, पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर दे। जब मैंने यूट्यूब, आप जैसा मैंने पहले ही बता दिया, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो आपका काफ़ी कम समय बचा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लेट लतीफ हो सकता है, कुछ टॉपिक भी छूट सकती है, कुछ टॉपिक आपकी मुझसे भी छूट सकती है, तो आप उन चीज़ों को पढ़ते रहना। जैसे नरेशन हो गया, वायस हो गया, मैंने जितना भी अपने मेरे जितने भी बैच के थे, नरेशन तो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, फिर भी आ जाएगा था उसकी नहीं जो है, फिर भी मैंने कुछ अपने बैच से पढ़ा भी दिया था, आ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जिन्हें मैंने नहीं पढ़ाया है। और वायस मैंने सभी बैच में पढ़ा दिया था, वायस मैंने पढ़ा दिया था, कुछ टॉपिक हैं जिन्हें मैं लीव आउट करूँगा, छोड़ूंगा उन टॉपिक को, क्योंकि कवर करने मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा और काफ़ी वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो उन टॉपिक को मैं, कुछ टॉपिक जो लंबी टॉपिक उन्हें कवर नहीं कर पाएंगे। आप पैसेज का प्रैक्टिस करते रहना घर पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जो है पैसेज की प्रैक्टिस करनी है और वायस की प्रैक्टिस करनी है, इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहना, इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और कुछ चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरी जितनी कोशिश जो है, जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना मैं अच्छा से अच्छा अपना करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करें और अपना इसी 2 महीने में, इसी 10 दिन में, पहले 10 दिन में आपका जीवन का काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, तो इसलिए आप लोग पूरी कोशिश के साथ अपना पढ़ाई जारी रखिए। और दिवाली पे यही एक मेरे साथ प्रतिज्ञा लीजिए कि हम क्या करेंगे, इस दिवाली के 10 दिन बाद मुझे टेट पास करना है, मुझे टेट का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास करना है, सिर्फ पास नहीं करना, अच्छे मार्क्स से पास करना है, क्योंकि रिटर्न भी यही चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि रिटर्न मेरिट बनेगी, तो इसलिए अगर इधर आपको तैयार है तभी उधर मेरिट में हम लोग फाइट करेंगे, तभी फाइट करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, और दिवाली पे ही पढ़ लो मेरे साथ कि हम लोग क्या करेंगे इस साल के अंत तक, अगले साल के जनवरी तक एक जॉब मुझे लेनी है, प्राइमरी की जॉब लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दिवाली पे प्रण करो, ठीक, और अच्छे से आप लोग दिवाली मनाओ, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला जो भी टॉपिक होगा अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जो है आप लोग, आज दिवाली का त्यौहार है, दिवाली एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए। ठीक है, ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।